हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं उप सहस्त्रयोजक यौगिकों की। उप सहस्त्रयोजक यौगिक यानी संकुल यौगिक जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिनमें उप सहस्त्रयोजक बंध पाया जाता है वो है आपके उप सहस्त्रयोजक यौगिक। उप सहस्त्रयोजक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यौगिक केमिस्ट्री की बहुत बड़ी और बहुत अच्छी शाखा है और इम्पोर्टेंट शाखा है क्योंकि इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट कलर्स है, डाइज है, साथ में उप सहस्त्रयोजक जो कंपाउंड है बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। हम बात करेंगे आज उप सहस्त्रयोजक यौगिकों की कि आखिर ये उप सहस्त्रयोजक यौगिक क्या होते हैं। तो देखिए, उप सहस्त्रयोजक यौगिक ऐसे उनको कहेंगे जिसमें केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय आयन लिगेंडों से उप सहस्त्रयोजक बंधों के द्वारा बंधे होते हैं और यौगिकों का निर्माण करते हैं, आपके उप सहस्त्रयोजक यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें केंद्रीय परमाणु या आयन उप जो आपके लिगेंड है उनसे उप सहसंयोजक बंध बनाकर बंधित होते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे आपका कैल्शियम पोटेशियम साइनाइड, जब पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया अपन जो है फेरस साइनाइड से करते हैं तो जो योगात्मक यौगिक बनता है वो केफोर एफी सीएन का होल सिक्स पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड का निर्माण होता है। तो ये जो यौगिक है जिसमें बड़ा ब्रैकेट आपको दिख रहा है केंद्रीय परमाणु फेरस है, सीएन का लिगेंड है दिखता है, ऐसे यौगिक आपके उप सहस्त्रयोजक यौगिक कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे कि केफोर एफसीएन सिक्स में क्या क्या है, इसके साथ ही अपन पाएंगे कि केफोर एफी CN का होल सिक्स। एक उप सहस्त्रयोजक के कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या इंपोर्टेंट इनके डेफिनेशंस रहेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन बड़ा ब्रैकेट। ये जो बड़ा ब्रैकेट है जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रुप कोष्ठक, इसको अपन समन्वय मंडल कहते हैं। परमाणु या आयन कहलाता है, परमाणु या आयन, यदि कोई आवेश पाया जाता तो आयन होगा, यदि कोई आवेश नहीं है उदासीन है तो वो परमाणु कहलाएगा। तो फेरस क्या है यहाँ पर, केंद्र परमाणु या आयन, तो किसे कहेंगे केंद्र परमाणु या आयन। उप सहस्त्रयोजक यौगिक में लिगेंड के साथ सीएन क्या है यहाँ पर लिगेंड, लिगेंड के साथ उप सहस्त्रयोजक बंध बनाता है जो इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करता है, कोई आपको कौन है केंद्र परमाणु या आयन कहलाता। साथ में हम देखेंगे कि जो सीएन है ये केंद्र परमाणु आयन के साथ उप सहस्त्रयोजक बंध बना रहा है तो इस सीएन को अपन बोलेंगे लिगेंड। तो लिगेंड वे परमाणु अणु या आयन या परमाणु के समूह होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म में केंद्र परमाणु या आयन को दान देकर के उप सहस्त्रयोजक बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं आपके लिगेंड कहलाते हैं। चलो हम बात करते हैं आगे लिगेंड से। आगे लिगेंड में वो परमाणु जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म देता साइड में जो देगा लिगेंड से, इसमें सीएन में कार्बन दे रहा, ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है तो ये कार्बन जो है दाता परमाणु कहलाता है। लिगेंड के वो परमाणु जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म में केंद्रीय परमाणु आयन को देकर के उप सहस्त्रयोजक बंध बनाता है वह उसका दाता परमाणु कहलाता है। अब केंद्रीय परमाणु आयन और लिगेंड के बीच में यहाँ जो बंध बन रहा है इस बंध को उप सहस्त्रयोजक बंध कहेंगे, उप सहसंयोजक उपसहसंयोजक बंध कहेंगे। बड़ा ब्रैकेट समन्वय मंडल कहलाता है, तो
तो ये जो केंद्रीय आयन है परमाणु और लिगेंड के बीच में जो बंध है वो क्या कहलाएगा, आपका उपसहसंयोजक बंध कहलाएगा। यहाँ जो बाह्य आयन है जैसे आपका पोटेशियम आयन, ये बाहर वाला जो बड़े पेग के बाहर की ओर जो भी स्पीशीज है आयन है वो प्रत्यय कहलाता है, और ये मंडल आयनिक मंडल कहलाता है, और आयनिक मंडल के आयन को हम प्रत्यायन कहते हैं। आयनिक मंडल के आयन को हम क्या बोलेंगे, प्रत्यायन कहेंगे। तो आयनिक मंडल और संयोजी मंडल मिलकर के उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। आयनिक मंडल और जो आपका बड़ा ब्रैकेट टू कोष्ठक इसके मध्य तो बंध बनता है, यहाँ पर आयनिक बंध बनता है। यहाँ जो बंध बनेगा वो कौन सा बंध बनेगा, आयनिक बंध का निर्माण होगा। आयनिक बंध हमेशा बड़े ब्रैकेट के बाहर बनता है आयनिक मंडल के साथ, और उपसहसंयोजक बंध केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के और लिगेंड के मध्य बनता है। आयनिक बंध से प्राथमिक संयोजकता पूरी होती है, जबकि उपसहसंयोजक बंध से इसकी द्वितीयक संयोजकता पूरी होती है। आयनिक बंध बनने में एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है, जबकि उपसहसंयोजक बंध बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्मदाता होता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्मदाता दाता परमाणु होता है, और जो दाता परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन युग्मदाता, वो इलेक्ट्रॉन युग्मदाता उसे कहेंगे जो कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान देता है, उससे संयोजक बंध बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्मदाता जो होता है उसको अपन लुईस चार कहेंगे, यानी लिगेंड एक प्रकार से क्या होते हैं, लुईस चार होते हैं, जबकि केंद्र या तो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, इसलिए लुईस अम्ल लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं। तो इस प्रकार अपने देखा कि उपसहसंयोजक युग्म में इस चीज़ बहुत इंपोर्टेंट रोल रखती है। इसे हम प्रत्यायन कहेंगे, इसे हम आयनिक मंडल कहेंगे, इसे हम केंद्रीय परमाणु में आयन कहेंगे, इसे हम लिगेंड कहेंगे। लिगेंड में किसको दाता परमाणु कहा जाता है, तो ये कई इंपोर्टेंट इसमें से पॉइंट्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। तो इस प्रकार से अपने देखा कि उपसहसंयोजक यौगिक दिखने में एक छोटी सी लाइन, परंतु ये जो चीजें है सारी बहुत इंपोर्टेंट है। तो इसके साथ अपन ने पूरा किया।